साउथ अफ्रीका टूर ऑफ वेस्ट इंडीज 2024 मैच नंबर 30 T20। दोस्तों पहला जो T20 मैच था मैंने बोला था ये जो मैच होगा टीम वेस्ट इंडीज अपने नाम पे करेगी। दूसरी T20 मैच में भी मैंने बोला था जो मैच होगा वेस्ट इंडीज अपने नाम पे करी, जो मैंने बोला वही हुआ। अब बारी है तीसरे T20 मैच की। तो भैया इस मैच में क्या होगा, कौन सी टीम आएगी करेगी मैदान फतेह, क्या जो वेस्ट इंडीज की टीम है करेगी फिर से मैदान फतेह और एक बार धूल चटाएगी साउथ अफ्रीका को और कर लेगी क्लीन स्वीप। या जो साउथ अफ्रीका है जाते जाते बोलेगा भैया ना ना इस बारी तो हम जीतेंगे, हम करेंगे पलटवार, लेंगे पिछली हार का बदला। तो भैया आज के मैच में क्या होगा, कौन सी टीम जीतेगी यही जानेंगे। वैसे अगर हम हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो इनके बीच में अभी तक 25 मैच खेले गए जिसमें से 13 मैच जीता वेस्ट इंडीज, 12 मैच जीता साउथ अफ्रीका। मतलब इन दोनों टीमों के बीच में जब भी T20 मैचेस होते हैं जो लड़ाई होती है बिल्कुल बराबर की होती है, तभी देख लो 25 में से 13 वेस्ट इंडीज 12 साउथ अफ्रीका। इन वेस्ट इंडीज के सरजमी पे इनके बीच में अभी तक 13 मैच खेले गए जिसमें से 7 मैच जीता वेस्ट इंडीज, 6 मैच जीता साउथ अफ्रीका। तो वेस्ट इंडीज के सरजमी पे भी ना जो साउथ अफ्रीका है बराबर की टक्कर देता है, लेकिन लास्ट 5 मुकाबलों की बात करें तो वेस्ट इंडीज ने 4 मैच जीता, साउथ अफ्रीका ने 1 मैच जीता। ओवरऑल आंकड़ों की बात करें वेस्ट इंडीज़ की सरजमी की बात करें तो मामला बराबर का है, लेकिन लास्ट के 5 मुकाबलों में जो वेस्ट इंडीज़ है ना साउथ अफ्रीका के सामने जबरदस्त परफॉर्मेंस करी है, जल्दी से मैचेस वैचेस जीतने इनको नहीं दिए। तो आज के मैच में क्या होगा चलो इन लेसेस करके पता लगाते हैं। बस उससे पहले अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कब करोगे भाई साहब, कर लो जिन लोगों ने नहीं किया हो अभी तक, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ मेरा टेलीग्राम ना आप सभी को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि देखो भैया टेलीग्राम पे हम जिस टीम को बोलते हैं ये टीम मैच जीत सकती है लगभग वो टीम मैच जीत जाती है, जिस ओवर में बोलता हूँ विकेट जाएगा लगभग उसी ओवर में विकेट जाता है, 5-10-15 ओवर में जितने रन बोलता हूँ बनने के लिए उतने ही रन बनते हैं। तो इतनी जबरदस्त अपडेट कहीं और मिलेगी आपको, कहीं भी ना मिलेगी, आपको यकीन नहीं है, ओहो ऐसी बात है। तो ऐसा करो अभी तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक मिलेगी, जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगी, अप्सरा प्रोडक्शन हाउस के नाम पे भाई का टेलीग्राम है, जाओ ज्वाइन करो। जो आज का मैच है साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज, इसमें जो भाई की अपडेट है वो आपको चेक करना, अगर आपको सारी अपडेट सही मिलती है मेरा काम पसंद आता तो टेलीग्राम पे बन जाना, टिक जाना, कहीं जाने वाने की जरूरत नहीं है। हाँ काम पसंद आए तब आप वापस ले जाना क्योंकि आने जाने का कोई पैसा नहीं लगता। बाकी अगर हम इस मैच की बात करें तो वेडनेसडे 28 अगस्त इंडिया टाइम अनुसार 12:30 12:30 से जिस टाइम पे सारे बाकी के पहले दो T20 मैच खेले गए सेम टाइम से खेला जाएगा और ये मैच भी ब्रायन लारा स्टेडियम तरुबा त्रिनाद में खेला जाएगा। तो भैया देखो पिच रिपोर्ट के बारे में हम बात नहीं करेंगे कि जो मैच नंबर 1 था ना सेम मैदान पे खेला गया, मैच नंबर 2 भी सेम मैदान पे खेला गया और मैच नंबर 1 की जो वीडियो थी उसमें मैंने पिच रिपोर्ट बताई और जो पिच रिपोर्ट में बोला ना दोनों मैचों में वही हुआ। तो भैया पिच रिपोर्ट में पहले बता चुका हूँ जैसा मैंने बोला था वैसा चल रहा है मैच, तो आज का भी मैच वैसे चलेगा मेरे पिच रिपोर्ट के बिहाव पे। तो देखो सेम चीज़ को बार बार बताना आपके लिए वीडियो लंबी हो जाएगी, आप बोर भी हो जाओगे, मैं भी थक जाऊंगा। तो जिन लोगों ने मैच नंबर 1 की वीडियो देखी उनको पता जो मैंने बोला था वही हुआ पिच रिपोर्ट के बारे में, तो आज भी वही होगा तो उन लोग को तो सब पता है, लेकिन जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी उनको नहीं पता। अगर पिच रिपोर्ट के बारे में सब जानना चाहते तो मैच नंबर 1 साउथ अफ्रीका वर्सेज वेस्ट इंडीज की जाकर वीडियो देख लें, पूरी वीडियो नहीं देखनी जो पिच रिपोर्ट वाला पार्ट है बस उतना देख लेना, पिच के बारे में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं यहाँ के मैदान पर कौन सी टीम आएगी बढ़िया परफॉर्म करेगी, जो मैच होगा उड़ा के ले जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर टीम वेस्ट इंडीज की, तो ये भाई साहब सारे मैच जीत रहे कोई चेंज करेंगे नहीं। लेकिन हांजे की बात करें तो टेस्ट में लगातार बढ़िया परफॉर्मेंस करके आए थे, इससे पहले भी T20 में मौके मिले थे लेकिन ज़्यादा कुछ बढ़िया नहीं कर पाए, लेकिन पिछले 2 मैचों में लंबी पारियां नहीं खेल पाए लेकिन जो शुरुआत है ना वो बढ़िया करी। बाकी सेहवाग की बात करें तो आप सबको पता टेक्निकल मजबूत बल्लेबाज है, जल्दी से विकेट नहीं फेंकते और दोनों मैचों में इनकी भी बल्लेबाजी तगड़ी चली। तो जो अभी वेस्ट इंडीज की ओपनिंग जोड़ी है एलेक एथांजे और सेहवाग वो तो बढ़िया नजर आ रही है। बात करें अगर यहाँ पर निकोलस पूरन की तो देखो भैया निकी पी के कहानी ये है कि एक मैच में चलते हैं एक मैच में फ्लॉप होते हैं, लेकिन जिस मैच में चलते हैं मैच को एक तरफा करते हैं जिता देते हैं, जिससे पहले मैच में चले लंबा स्कोर था चेंज करवा दिया किसको टीम वेस्ट इंडीज को, दूसरे मैच पे नहीं चले छोटा स्कोर था कोई बात नहीं। रोमन पॉवेल की बात करें इनकी जो परफॉर्मेंस है बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, 25-30 इतना जब रन बनाना होता तब बना लेते हैं लेकिन इससे ज्यादा जब रन बनाना होता तो नहीं बना पाते, मतलब हम कह सकते हैं रोमन पॉवेल की जो फॉर्म है थोड़ा सा आधी अधूरी है। बात करें रोस्टन चेस की तो रोस्टन चेस की भी सेम कहानी है, जो फॉर्म है ना बहुत ज्यादा अच्छी है नहीं, बल्लेबाजी आजकल थोड़ा सा नीचे करवा रहे हैं लेकिन जब भी नंबर आया चल ना पाए और गेंदबाजी में बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म ना कर पा रहे। सरफेन रदरफोर्ड एज ए फिनिशर खेलते हैं लेकिन कभी बढ़िया फिनिश करते हैं कभी बढ़िया फिनिश नहीं कर पाते, इनकी भी जो फॉर्म है सरफेन रदरफोर्ड की थोड़ी सी आधी अधूरी कहानी है। बाकी अगर मैं पे रोमारियो सेफर्ड की बात करें देखो बल्लेबाजी का नंबर थोड़ा सा कम आता, जब भी आता 20-25-30 रन बना के चले जाते लेकिन जो गेंदबाजी है जो बेरेशन करते ना रोमारियो सेफर्ड वो कमाल के, दोनों मैचों में उन्होंने तगड़ी गेंदबाजी करी विकेट चटकाए किफायती रहे, बल्लेबाजी का ज़्यादा नंबर आया नहीं तो इसलिए वो दिखा नहीं स्कोर में कुछ इजाफा, लेकिन ऑलराउंडर कमाल का है। सेम कहानी है अकील हुसैन की, दोनों मैचों में तगड़ी गेंदबाजी करी किफायती रहे विकेट चटकाए बल्लेबाजी का नंबर इनका भी नहीं है, हालांकि बल्लेबाजी में ज़्यादा कुछ कर भी ना पाते। मैथ्यू फोर्ड
कमाल का गेंदबाज है, मौका मिला दोनों मैचों में, मौका का फायदा उठाया, जब भी ये खेलते हैं बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, इन दोनों मैचों में भी करके दिखाए, किफायती रहे, विकेट चटकाए, थोड़ा बहुत बल्लेबाजी ये भी कर लेते हैं, हालांकि इनकी भी बल्लेबाजी का नंबर नहीं आया। बाकी सामर जोसेफ की बात करें, इनको भी मौका मिला इस बार, और सामर जोसेफ ने जो दोनों मैचों में गेंदबाजी करी ना, वो भी काफी ज्यादा जबरदस्त है, दोनों मैच में विकेट चटकाए, किफायती रहे। वहीं गुड्डा केस मूटी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, हालांकि दोनों मैच में विकेट नहीं मिला, लेकिन किफायती ये भी रहे। तो ओवरऑल जो वेस्ट इंडीज़ की कमजोरी थी ना, गेंदबाजी हमेशा इनकी धराशायी हो जाती थी T20 में, लेकिन अभी दोनों मैचों में इनके गेंदबाजों ने तगड़ी गेंदबाजी करी है। बल्लेबाजी हाँ कह सकते हैं थोड़ा सा आधी अधूरी है, ऊपर के बल्लेबाज चल रहे हैं, नीचे के बल्लेबाज अच्छा फिनिश नहीं कर पा रहे, लेकिन जो गेंदबाजी है वेस्ट इंडीज़ की वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी चल रही है। तो अगर मैं टीम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, इनकी जो खराब फॉर्म है अभी भी दिख रही है, बात करें डीजे हैंड्रिक्स की, तो एक मैच में ठीक ठाक पारी खेली, एक मैच में फ्लॉप हो गए। रियान रिकल्टन ने भी एक मैच में 20 रन बनाए, अगले मैच में वो भी, तो रियान रिकल्टन कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड कप से पहले फॉर्म दिखाई थी या मेजर लीग में फॉर्म दिखाई थी, वो फॉर्म यहाँ पे नहीं दिख रही है। डीजे हैंड्रिक्स वही, जब लंका प्रीमियर लीग खेलते थे सारे मैच में रन बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे डीजे हैंड्रिक्स एक मैच में चले, एक मैच में रन चले। एडम माकरम अपने बहुत ही खराब दौर से गुजर रहे हैं, पिछले एक साल से आप देख सकते हैं 50 ओवर के वर्ल्ड कप के बाद इनके बल्ले से एक आधा हाफ सेंचुरी निकली होगी तो नहीं निकली, लगभग सभी मैच में 2, 4, 5, 10 रन बना के चले जाते हैं, गेंदबाजी करने एक आधा ओवर आते हैं तो पिटाई भी हो जाती है। तो जो एडम माकरम है, इनकी फॉर्म तगड़ी नहीं है, राशिफ फंडर डोसन को वापसी हुई थी, लगातार फॉर्म दिखाएंगे, लेकिन राशिफ फंडर डोसन के पास भी फॉर्म नहीं है। सबसे बढ़िया कोई बल्लेबाज इनके लिए कर रहा था वो है तिस्तन अस्तव, IPL में देखा होगा कि जो फॉर्म पकड़ी थी ना IPL का, उससे पहले से भी रन बना रहे हैं। जो पिछला दो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ था T20 का 2023 में, जो भी हुआ था 22 में, तब से रन बनाते हुए आ रहे हैं, लगातार तिस्तन अस्तव रन बना रहे हैं, फिर चाहे IPL खेले, फिर या ऐसे T20 लीग खेले, या अभी साउथ अफ्रीका के लिए खेले, सबसे बढ़िया फॉर्म में कौन है, तिस्तन अस्तव, जो लगातार सभी मैच में रन बना रहे हैं। डोनन फेरेरा की बात करते, पिछले मतलब मौका मिला लेकिन दोनों मैचों में मौका का फायदा ना उठा पाए, ज़्यादा कुछ बढ़िया ना कर पाए। पैट्रिक क्रूगर की बात करते, इनको भी मौका मिला, इन्होंने ठीक ठाक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करी, एक मैच में रन बना दिया, एक मैच में 2 विकेट चटका दिया। आप एक ऑलराउंडर से इतनी उम्मीद करते कभी रन बना दे कभी विकेट निकाल दे, जो कि पैट्रिक क्रूगर ने बढ़िया करके दिखाया। बिरजॉन फॉर्चून की बात करें तो गेंदबाजी में वो दमखम नहीं दिख रहा, तबरेज़ शम्सी को रिप्लेस किया था, लेकिन तबरेज़ शम्सी विकेट चटकाते थे, जो बिरजॉन फॉर्चून नहीं कर पा रहे हैं। बात करें ओटैनियल ब्राडमैन की, तो जो इनकी गेंदबाजी थी दोनों मैचों में तगड़ी थी, विकेट चटकाए दोनों मैचों में, किफायती रहे, सेम कहानी रहे लिजार्ड विलियम्स में बढ़िया गेंदबाजी करी, किफायती रहे, विकेट चटकाए, यानी लिजार्ड विलियम्स एंड ओटैनियल ब्राडमैन, इन दोनों ने बढ़िया गेंदबाजी करी। पहले मैच में नांद्रे बर्गर ने खेला था, इनकी खराब परफॉर्मेंस थी, इनको हटाया गया अगले मैच में, सॉरी लिजार्ड विलियम्स आए थे नांद्रे बर्गर की जगह पर, नांद्रे बर्गर की परफॉर्मेंस खराब नहीं तो लिजार्ड विलियम्स को खिलाया गया, लिजार्ड विलियम्स ने बढ़िया गेंदबाजी करी। क्वेन बफाका की बात करें तो दोनों मैच खेला, एक मैच में बढ़िया गेंदबाजी करी, एक मैच में थोड़ा सा पिटाई इनकी भी करी थी, किसकी, निकोलस पुरन ने। तो ओवरऑल अगर मैं साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस की बात करें तो बल्लेबाजी में वही एकाता, मतलब तिस्ता सब लगातार बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इनके अलावा एकाता बल्लेबाज कभी और चल जाता, नहीं तो सबकी जो फॉर्म है खराब है। गेंदबाजी में एक दो गेंदबाज बढ़िया करते हैं, 2-3 गेंदबाज महंगे हो रहे हैं, तो ऐसे में मैच कहां जीतेंगे, तभी दो मैच खेला दोनों मैच हार गए। वहीं हम इन दोनों टीमों के लास्ट 6 मैच के बिहार पे कंपेरिजन करें तो वेस्ट इंडीज ने अपने आखिरी के 6 मैच में 4 जीता 2 हारा बढ़िया खेला। साउथ अफ्रीका की बात करें, अपने आखिरी के 6 मैच में 3 जीता 3 हारे, मतलब एक जीत रहे हैं एक हार रहे हैं। इस दौरान जो इनका बल्लेबाजी एवरेज है 168 T20 में ठीक ठाक कह सकते, लेकिन बहुत ज्यादा जबरदस्त खतरनाक नहीं कह सकते। वेस्ट इंडीज की बात करें 184 जो इनका बल्लेबाजी एवरेज है ना वेस्ट इंडीज का, वो बढ़िया नजर आ रहा है। बात करें गेंदबाजी एवरेज की तो 8.40, तो गेंदबाजी एवरेज भी अभी इनका ठीक नजर आ रहा है, यानी जो इनके गेंदबाज है 170 के नीचे रन खाते हैं, बल्लेबाज 184 तक पहुंचते, तभी आखिरी के 6 मैच में 4 जीते, सिर्फ 2 मैच आ रहा। साउथ अफ्रीका की बात करें तो जो इनका गेंदबाजी एवरेज है 8.33, कहीं ना कहीं जो इनकी भी गेंदबाजी एवरेज है ना ठीक ठाक है, क्योंकि वर्ल्ड कप में इनके गेंदबाज बढ़िया गेंदबाजी करके आ रहे हैं। हालांकि पहले मैच में पिटाई हुई थी, तो जो इनके गेंदबाज है 170 के नीचे रन खा रहे हैं, लेकिन जो बल्लेबाज है वो 168-170 तक ही वो भी पहुंच पाते, तभी आखिरी के 6 मैच में 3 जीता 3 हारा, मतलब एक हार रहे एक जीत रहे हैं। तो रिजल्ट में बिल्कुल थोड़ा सा वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका से बेहतर नजर आ रहा है। बल्लेबाजी एवरेज की बात करें, यहां पे जो वेस्ट इंडीज का बल्लेबाजी एवरेज है कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका से बेहतर है, लेकिन गेंदबाजी एवरेज की बात करें दोनों टीमों का जो मामला है ना बिल्कुल एक जैसा नजर आ रहा है। तो आज के मैच में क्या होगा, कौन सी टीम आएगी मैच उड़ा के ले जाएगी यानी जीतेगी, चलो अभी हाँ तुरंत के तुरंत बता देते हैं। लेकिन अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हाँ तुरंत के तुरंत आप भी चैनल को
सब्सक्राइब कर डालो और कर दो वीडियो को लाइक। देखो सारी एनालिसिस करने के बाद जो मैच है ना वो 60-40 का, 60 टीम वेस्ट इंडीज 40 टीम साउथ अफ्रीका। देखो वेस्ट इंडीज के होम ग्राउंड में मैच है और वेस्ट इंडीज की जो करंट परफॉर्मेंस है अच्छी है, साउथ अफ्रीका में नए नए खिलाड़ियों को मौका मिला इसलिए वेस्ट इंडीज टीम ज्यादा मजबूत है। अगर आप उसके साथ जाना चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है जो आज का मैच है टीम साउथ अफ्रीका अपने नाम पे कर सकता है। देखो इसमें थोड़ा बहुत रिस्क है, अगर आप ले सकते हैं तो मेरे साथ आ सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है जो आज का मैच है ना टीम साउथ अफ्रीका अपने नाम पे कर सकता है। बाकी मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि देखो भैया टेलीग्राम पे हम जिस टीम को बोलते हैं ये टीम मैच जीत सकती है, लगभग वो टीम मैच जीत जाती है। जिस ओवर में बोलता हूँ विकेट जाएगा लगभग उसी ओवर में विकेट जाता है। 5-10-15 ओवर में जितने रन बोलता हूँ बनने के लिए उतने रन बनते हैं। तो इतनी जबरदस्त अपडेट कहीं मिलेगी? कहीं भी ना मिलेगी, आपको यकीन नहीं है? ओहो ऐसी बात है। तो ऐसा करो अभी तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक मिलेगी, जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है वहां पे भी लिंक मिल जाएगी। अप्सरा प्रोडक्शन हाउस के नाम पे भाई का टेलीग्राम है, ज्वाइन करो। जो आज का मैच है इस मैच में भाई की अपडेट आपको चेक करना, अगर आपको सारी अपडेट सही मिलती है, मेरा काम पसंद आता है तो टेलीग्राम पे बन जाना, टिक जाना, कहीं जाने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं है। हाँ काम पसंद आए तब आप चले जाना, तब आपको कोई रोकेगा नहीं, वैसे भी कोई रोक नहीं सकता, लेकिन टेलीग्राम पे जाएं भाई का काम चेक करें, फिर जैसा सही लगे वैसा करना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।